हेलो एवरीवन, राम राम। तो मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि कल्पेश के एग्ज़ाम चल रही है अंदर तो। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकती हूँ, मम्मी का बर्थडे है 2 घंटे बाद इंडिया में, और मैं मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं मम्मी के लिए मस्त केक बनाऊँगी, लेकिन ना मेरे घर में बेकिंग सोडा है, ना बेकिंग पाउडर है, ना ही इनो है। और वनीला एसेंस मैं लेके आई थी, फ्रिज में रखा था, और वो अभी अभी मेरे हाथ से गिर गया। तो वो सारी चीज़ें नहीं है, तो केक जो है वो नहीं बन सकता। सो सॉरी मम्मी। लेकिन लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं बनाऊंगी मम्मी के लिए शीरा, और मतलब केक जैसा शेप दे दूंगी शीरा को थोड़ा, और अच्छा सा प्रेजेंटेशन कर दूंगी, और वही मम्मी को वीडियो कॉल में दिखा के खुद ही मम्मी का केक कट करूँगी, और हम दोनों ही यहाँ पर खाएँगे। बट मम्मी के लिए ये पक्का वीडियो कॉल से करना है। तो बनाते हैं मम्मी के लिए शीरा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तब तक आई होप कल्पेश की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे घर का घी तो है नहीं, तो यहाँ पे मिलता है नानक का देसी घी, तो मैंने वही यूज़ किया है शीरा बनाने के लिए। और आज यहाँ पे वीकेंड है, और घर से ना 2 बार मम्मी का कॉल आ गया है, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं मम्मी को सरप्राइज़ देना चाहती थी, तो मैंने उनसे बात ही नहीं की। बट मैंने ना शताक्षी को फ़ोन करके साइड में मतलब बोल दिया है कि मतलब मैं मम्मी के लिए कुछ कर रही हूँ, ताकि घर पे एटलीस्ट एक पर्सन को पता हो कि सब ठीक है, वरना घर वालों को टेंशन हो जाती है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे। बट पता है जब मम्मी फ़ोन उठाएगी ना तो पक्का डांटने वाली है, क्योंकि मम्मी को ऐसे लग रहा है आज वीकेंड है और मैं इतने देर तक सोई हुई हूँ। तो अभी शीरा इन प्रोसेस है सीखने में, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट्स जिससे डेकोरेशन करने वाली हूँ थोड़ा सा वो कट करके रख लेती हूँ। तो अभी बढ़िया से जो शीरा को घी है वो छूटना शुरू हो गया है, मतलब शीरा अभी सीख रहा है। तो मैंने तभी साइड में रख दिया गर्म पानी शीरे में डालने के लिए। तो अभी मैंने पानी गर्म रख दिया है, और अब मैं कट कर रही हूँ ये ड्राई फ्रूट्स। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब जब मैं केक ऐसे बनाऊँ उसको शेप दूँ, मैंने तो स्क्वायर रखने का सोचा है, तो बस आजू बाजू थोड़ा सा जो काजू है उसका वो काजू ऐसे लगा दूँ आजू बाजू। पता नहीं क्या करने वाली हूँ, आप लोग सब देख लेना एंड में। और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके ऊपर माँ लिखूँ, क्योंकि जैसे मैं मम्मी को माँ बोलती नहीं, मम्मा ही बोलती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में मम्मी का नंबर जो है वो माँ के नाम से सेव है। तो मैंने सोचा कि आज मैं केक पर सिर्फ माँ ही लिखूँगी। और पता है अभी मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है। लास्ट टाइम जब मेरी मम्मी का बर्थडे था तो घर में मेरा गनगौर का क्या बोलते हैं उसको, क्या वो हम मारवाड़ी में कुछ अच्छी चीज़ बोलते हैं, उद्यापन जो होता है ना, नहीं उद्यापन नहीं, उजड़ना, गनगौर का उजड़ना था। तो मतलब मम्मी ना इतना बिजी थी सब लोगों के इसमें, और उस दिन उपवास भी होता है, तो ना मम्मी ने केक कट किया ना कुछ। तो जो मम्मी जी हैं जब आए थे लास्ट टाइम, तो मम्मी के लिए जो कलाकंद होता है उसका केक लेके आए थे, बट वो जो एक सेलिब्रेशन होता है ना अच्छे से मतलब शांति से मम्मी के साथ बैठ के, वो हुआ ही नहीं लास्ट टाइम, और इस बार पॉसिबल नहीं है ऐसे भी। तो ना ऐसे सारे ओकेजन जब भी आते हैं ना तो घर की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है। और अभी शारदा शताक्षी वहाँ पे, सब शताक्षी तो नहीं है, शताक्षी पुणे में है, बट वो नेक्स्ट वीक आ जाएगी। शारदू वहाँ पे है तो अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मम्मी पापा के पास कोई है। तो एक ना वो वॉइड हमेशा रहता है जब दूर रहते हैं ना आप लोग घर से, तो हर चीज़ ना बस दूर से बांटनी होती है, दूर से आपको स्माइल करना होता है। और बट एक चीज़ है, जब घर से दूर आप रहते हो ना तो आपको एग्जैक्टली घर की वैल्यू समझ में आती है, और जितना ग्रांटेड हम अपने पेरेंट्स को लेते थे ना पहले, वो बात में जब घर से दूर जाते हैं ना तो समझ में आता है। तो आज मेरे को डेफिनेटली मम्मी की इतनी याद आ रही है, और मेरे को लग रहा है कि आई विश अगर मैं आज इंडिया होती तो मैं कुछ बड़ा सेलिब्रेट करती मम्मी के लिए, क्योंकि पता नहीं ना ऐसे मौके कितने बार फिर से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यहाँ से वहाँ जाना बार बार पॉसिबल भी नहीं है, तो बहुत कम समय मिलता है। तो बट मैंने ना इस टाइम मैंने प्लान किया है कि इस बार जब मैं इंडिया जाऊँगी, दो किसी का बर्थडे हो या ना हो, लेकिन मुझे सारे लोग, मम्मी जी, पापा जी, मम्मी, पापा, डोला, शारदा, दीदी, और अभी जो वामिका हुई है वो, तो एक एक कोई स्पेसिफिक डे चूज़ करके मैं सबका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। मुझे जैसे सेलिब्रेट करना है एक साथ एक केक लेके और सभी का, ताकि मतलब चाहे वो दिन हो या ना हो, लेकिन बस मन में है कि मुझे करना है। तो मैं मतलब मैंने कल्पेश को भी ये चीज़ बोली है कि एक बार ऐसा करना है, भले किसी का हो ना हो बर्थडे, बट एक कोई भी अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त निकाल के मुझे सबका बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है वहाँ जाके, ताकि मुझे एटलीस्ट जब मैं कनाडा वापस आऊँ तो मुझे ये रहे कि नहीं मैंने सबका बर्थडे सेलिब्रेट किया था वहाँ पे। तो ये चीज़ मैं इस बार जब इंडिया जाऊँगी ना तो पक्का करूँगी।
वेल मैं ज़्यादा इमोशनल अभी ब्लॉग में होना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जितना इमोशनल होंगी उतना मम्मी देख के वहाँ रोएगी और वो मेरे को चाहिए नहीं। मम्मी का इतना अच्छा दिन है और मम्मी इतना स्ट्रगल करके, मम्मी का जो लाइफ का स्ट्रगल है वो एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं मम्मी के बर्थडे पे ही मम्मी का जो जर्नी है वो सभी लोगों को बताऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ के लेके थोड़ा सा रुकती हूँ या फिर कभी शेयर करूँगी। पता नहीं, अगर मेरा मन हुआ तो मैं कल भी वो डाल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी का लाइफ का जो स्ट्रगल है ना वो लाइक नेक्स्ट लेवल है। मम्मी यहाँ तक कैसे आई है, मम्मी कैसे पहुँची है, लाइक मम्मी सुपर वुमन है और मम्मी रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए। और मम्मी के बारे में ना जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत स्ट्रांग है मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा। एंड बहुत अच्छे बोलते ना, बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग दिया है मम्मी ने हम तीनों बहनों को। तो लाइक थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग। और अब जब मेरी देने की बारी है ना तो मैं इतना दूर आके बैठी हुई हूँ, बट ट्रस्ट मी जब मैं इंडिया आऊँगी ये सारी चीज़ें मैं कम्प्लीटली पूरी करूँगी। मेरे पापा मुझे कभी ये नहीं बोलते कि ये मेरी बेटी है, वो हमेशा बोलते कि मेरा बेटा है। एंड मैं वो जब इंडिया आऊँगी तो पक्का जो एक बेटा करता है ना वही करूँगी आप लोगों के लिए। प्रॉमिस यू, ये ब्लॉग के साथ में प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई लव यू। तो अब जब शीरे का जो कलर है एकदम मतलब गोल्डन ब्राउन हो गया ऑलमोस्ट, अब मैं धीरे धीरे करके पानी डालने लगी, तो अब बस मेरा शीरा बनके तैयार हो चुका है। सो शीरा ऑलमोस्ट बनके रेडी है। तो अब मैं इस प्लेट में जो शीरा है उसको फिर केक जैसे अरेंज करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये कल्पेश का जो टिफिन बॉक्स है, जैसे मैं कल्पेश को फ्रूट्स देती हूँ उसमें डाल के ऐसे करूँगी तो ऑलमोस्ट जो स्क्वायर शेप है वो इससे आ जाएगा। और फिर मैंने काजू कट करके रखे हैं, उससे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो अभी फिलहाल के लिए तो यही प्लान है, लेट्स सी अभी होता कैसे है। तो अब मैं केक को इसमें से निकालने की कोशिश कर रही थी बट पता नहीं क्यों ये निकल ही नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था शायद से मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, ये नहीं होगा। और बाद में पता मुझे ये भी समझ में आया कि इसके जो एजेस थे वो मैंने स्मूथ किए ही नहीं थे, तो फिर मैंने दूसरी प्लेट लेके उसको उल्टा कर दिया ताकि वो एटलीस्ट ऊपर से स्मूथ दिखे, क्योंकि आजू बाजू से थोड़ा सा मतलब क्योंकि मैंने डालते वक्त उसको स्मूथ किया ही नहीं था तो वो प्रॉपर हो नहीं रहा था। फिर मैंने मतलब लिखना शुरू किया, जो मतलब मैंने काजू कट किए थे उससे मैं माँ लिखने की कोशिश कर रही थी, तो इतना छोटा सा स्पेस था कि मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना था क्योंकि केक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उतने से स्पेस पे लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। बाद में जब ये थोड़ा जो ए है वो ए जैसा नहीं लग रहा है, बट पता नहीं बस अब जैसे भी हो रहा है, टाइम बहुत कम है तो मैं इतना ही कर सकती हूँ। बाद में मैंने पूरा माँ लिख लिया बट वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लास्ट वाले ए के लिए स्पेस ही नहीं थी, वो पूरा बिगड़ गया। फिर मैंने वापस से पूरा चेंज किया और हिंदी में माँ लिखा। तो अभी ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे जैसे माँ लिखना था आई नो थोड़ा सा मेसी सा हो गया है बट मैं यही कर पाई। और फिर मैंने ऑलमोस्ट कॉल किया 12 बजे से 2-3 मिनट पहले घर पे, क्योंकि मैं चाहती थी कि अब हम लोग केक कट करें, बट कल्पेश का एग्ज़ाम तो अब तक हुआ नहीं था। और मुझे ये बोला गया घर से कि पापा मतलब सुंदरकांड में गए हुए क्योंकि सैटरडे है, तो भी पापा भी नहीं है, तो फिर हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग केक जो है वो मॉर्निंग में कट करेंगे। बट इन बिटवीन घर पे क्या चल रहा था ये मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट ये सब लोग मुझसे कुछ हाइड कर रहे थे और कल्पेश को भी ये चीज़ पता थी जो मुझे बाद में जाके पता चली। मम्मी तू तो बुड्ढी हो रही। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे। तो मैं ये सब सेलिब्रेशन करने में लगी हुई थी और घर पे इतनी सारी चीज़ें पीछे हो गई जो मुझे पता ही नहीं चली और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। बट जो केक मैं रात में 12 बजे कट करने वाली थी वो मैंने नेक्स्ट दिन रात में मम्मी का बर्थडे ख़त्म होने से बस जस्ट 5-10 मिनट पहले केक कट किया, तो पता नहीं। बट मम्मी का बर्थडे मुझे बहुत अच्छा करना था और मैं बहुत कुछ मतलब सोच के रखा और पीछे से कुछ और ही हो गया, बट इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी का बर्थडे पे मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि पापा जल्दी ठीक हो जाए।
हैप्पी बर्थडे शादी तू भी थी आई लव यू अब मैं जीजू ने खिलाई थी थाका बर्थडे को वाह बहुत बढ़िया तो बस यही मतलब मुझे पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हो गया बट बस भगवान की कृपा कि पापा की तबीयत एकदम बढ़िया है पापा एकदम ठीक है तो बस ऐसे ही हम लोग ने सेलिब्रेट किया मम्मी का बर्थडे